क्या आपको आपके बड़ों ने कहा है कि लटकने से हाइट बढ़ती है? क्या आपको लगता है कि कोई स्पेशल गोली खाने से हाइट बढ़ती है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से हाइट बढ़ती है? इफ योर आंसर इज यस, तो प्लीज करके दिखाओ विद एविडेंस, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। अगर आपसे कोई ये पूछे कि हाइट का बढ़ना या कम होना किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, जेनेटिक्स पे या न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज के इफेक्ट पे, तो इसका छोटा सा आंसर है 60-80% जेनेटिक वैल्यू पर एंड 20-40% एनवायरमेंटल फैक्टर पर। एनवायरमेंटल फैक्टर से मेरा मतलब है कि आप क्या न्यूट्रिशन लेते हैं अपनी डाइट में, कैसे एनवायरमेंट में रहते हैं एंड किस तरह का एक्सरसाइज पैटर्न फॉलो करते हैं। हेरिटेबिलिटी ऑफ ह्यूमन हाइट की वजह से ही किसी इंसान में टोटल हाइट वेरिएशन होता है, मतलब कि जेनेटिक की वजह से ही कोई इंसान बड़ा या छोटा होता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि हमारे रिलेटिव्स हमसे जेनेटिकली कितने सिमिलर है, मतलब आप कितने हद तक अपने फैमिली की तरह दिखते हैं, आपके फेस के फीचर, हेयर एंड आंखों का कलर कितने हद तक आपके फैमिली मेंबर की तरह है। इसको साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसा बोला जाता है कि हम अपने रिलेटिव के साथ कितने जेनेटिक मार्कर शेयर करते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपके फैमिली के लिए कौन कौन से फीचर डोमिनेंट जीन से आते हैं एंड कौन कौन से फीचर रिसेसिव जीन से आते हैं। डोमिनेंट जीन्स का मतलब है कि इस तरह के फीचर के होने का चांस आपके फैमिली में सबसे ज्यादा है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ फैमिली में सारे भाई बहन गोरे ही होते हैं या ज्यादातर उनकी आंखें शायद एक तरह की ही होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर शर्मिला टैगोर, सोहा अली खान, सैफ अली खान एंड सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान की आंखें तो आपने देखी होगी, डिस्टिंक्टिवली एक जैसी है। तो इस तरह के आंखें फिर उनकी फैमिली में डोमिनेंट जीन्स हैं। साथ ही किसी किसी फैमिली में सारे भाई बहन एक जैसे दिखते हैं लेकिन कोई एक थोड़ा डिफरेंट दिखता हो, सारे लंबे हो बस कोई एक थोड़ा सा हाइट में डिफरेंट हो, तो उस केस में एक बंदे के अलग होने का फीचर रिसेसिव जीन्स की वजह से होता है। मतलब डोमिनेंट जीन्स एंड रिसेसिव जीन्स, अगर एक क्लास के स्टूडेंट्स हो तो डोमिनेंट जीन्स फ्रंट बेंचर है एंड रिसेसिव जीन्स बैक बेंचर्स। इस केस में ऐसा नहीं कि बैक बेंचर्स क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकते, पर फ्रंट बेंचर का क्लास में फर्स्ट आने का चांस थोड़ा ज्यादा होता है। सिमिलरली डोमिनेंट जीन्स एंड रिसेसिव जीन्स दोनों से ही आपके फीचर बन सकते हैं, बट डोमिनेंट जीन्स का एक्टिव होने के चांस ज्यादा है। तो आपको डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स के बारे में समझ आ गया, राइट? अब चलो आगे बढ़ते हैं। क्वींसलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के पीटर एम विशर और सारा ई मेडलैंड ने मार्च 2006 में इस रिसर्च के फाइंडिंग को PLOS जेनेटिक मैगजीन में पब्लिश किया। बेसिकली ये स्टडी 1918 में की गई R.A. फिशर की बहुत ही पॉपुलर और क्लासिक पेपर से इंस्पायर्ड थी। इस स्टडी में रिसर्च इस बात पे किया जा रहा था कि डोमिनेंट जेनेटिक मार्कर्स और हेरिटेबिलिटी का हाइट और दूसरे तरह के सिमिलरिटी जैसे कि फेशियल फीचर्स, हेयर कलर एक्सेट्रा पे कितने लेवल तक का असर होता है। इसके लिए उन्होंने 4,401 सिबलिंग्स के पेयर्स, मतलब भाई बहनों के एंड ट्विंस के पेयर्स को मिला करके टोटल 4,401 पार्टिसिपेंट पे ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उनसे डेटा कलेक्ट किया गया एंड उनकी इंडिविजुअल जीनोम टेस्टिंग की गई। जीनोम टेस्टिंग एक्चुअली जेनेटिक का एक बेसिक टेस्टिंग है जिससे आपके जीन्स की कोडिंग का रिजल्ट आपके सामने आ सकता है। रिजल्ट में ये देखा गया कि मैक्सिमम 0.80 जीनोम मार्कर्स का ही हाइट पर असर रहा एंड नॉन जेनेटिक कॉजेज जैसे कि डाइट, एनवायरमेंट का असर, हाइट और दूसरे तरह के फैमिली रिसेंबल्स पे 0.374 टू 0.498 के डेविएशन पे रहा। प्लीज नोट करिएगा कि 0.80 सिर्फ हाइट के मार्कर के बेसिस पे था, लेकिन 0.374 टू 0.498 के रेंज में हाइट, हेयर कलर, फेस का फीचर, ये सारे फैक्टर्स थे। इसलिए ये वाला रिजल्ट एक सिंगल फिगर की जगह रेंज में बताया गया। अपने आर्टिकल में पब्लिश करते वक्त इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाते हुए पीटर एम विशर ने साफ साफ 80-20% का क्लेम बताया, ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी ही नहीं नॉर्मल लोगों तक भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली पहुंच जाए। उन्होंने बताया कि 80% तक ही आपकी हाइट आपके जीन्स पे डिपेंड करती है एंड सिर्फ 20% तक ही आप किसी हद तक अपनी हाइट को एक्सटर्नल फैक्टर से शायद इन्फ्लुएंस कर पाए। यहाँ एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब आपकी डाइट, एक्सरसाइज, आप किस तरह के एनवायरमेंट में रहते हैं एक्सेट्रा,
इन सारी चीजों से है। इन सब इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चलता है कि सिर्फ 2 सेंटीमीटर हाइट मेनली न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करती है। अगर हम यंग एज से ही अपनी डाइट में प्रोटीन, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, विटामिन ए एंड डी इंक्लूड करते हैं तो इससे हमारी हाइट बढ़ सकती है। मैल न्यूट्रिशन से भी आपकी हाइट पर असर पड़ता है, बट याद रखिएगा ये इन्फ्लुएंस आपके पुबर्टी में रहते रहते ही पॉसिबल है। हमारी बॉडी के लॉन्ग बोन्स यानी पेल्विक फ्लोर के नीचे पैरों के बोन्स के ऊपर हमारी ग्रोथ प्लेट्स होती है। ग्रोथ प्लेट्स को एपिफिजियल प्लेट्स भी कहा जाता है। पुबर्टी की शुरुआत तक ये प्लेट्स ओपन रहती है। जैसे ही पुबर्टी शुरू होता है लड़कों में 14-17 ईयर्स एंड लड़कियों में 12-14 ईयर्स तक में ये ग्रोथ प्लेट्स बंद होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पुबर्टी के एटलीस्ट 2 ईयर्स बाद तक हाइट बढ़ती रहती है जब तक ये ग्रोथ प्लेट्स पूरी तरह फ्यूज ना हो जाए। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की गाइडलाइन के हिसाब से बॉयज की हाइट लेट टीन से 21 ईयर्स तक में बढ़ती है एंड गर्ल्स की हाइट मिड टीन से 17 ईयर्स तक में। इसलिए उन्हें इस एज में जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रोथ प्लेट के फ्यूज हो जाने के बाद ह्यूमन हाइट में कोई भी चेंजेस आना पॉसिबल नहीं है। बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होने वाला ग्रोथ हार्मोन का भी आपकी हाइट पे एक हद तक असर होता है एंड आर्टिफिशियली ग्रोथ हार्मोन लेने से आप अपनी हाइट में कोई भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं ला पाएंगे, उल्टा उससे कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। डोंट वरी, एज यूजुअल इस टॉपिक पे मैं अलग से पूरी रिसर्च एंड साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ वीडियो कुछ ही दिनों में आपके लिए इस चैनल पे पब्लिश कर दूंगा। क्या आप जानते हैं कि दिन भर में आपकी हाइट एक्चुअली स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है? हमारी स्पाइनल डिस्क में एक सेक नाम का फ्लूइड होता है। जब आप स्टैंड होते हैं तब आपके हेड और शोल्डर के एक्सेल प्रेशर की वजह से वो कंप्रेस हो जाता है। हालांकि कितनी भी देर तक खड़े होने पर भी ये श्रिंक सिर्फ 1% तक ही होता है, चाहे आप पूरे महीने ही क्यों ना खड़े हो। एंड जब आप लेटते हैं तो ये हाइट वापस उतनी हो जाती है जितनी पहले थी। अगर आप सोचते हैं कि हैंगिंग या स्ट्रेचिंग करने से आपकी हाइट बढ़ जाएगी तो आप एकदम गलत सोचते हैं। उससे सिर्फ टेम्परेरली असर पड़ता है। आपकी हाइट में लेटने से स्ट्रेचिंग या हैंगिंग से केवल 1% तक का ही रिस्टोर होता है, वो भी टेम्परेरली होता है। स्पाइनल कंप्रेशन छोटे लोगों में 1% एंड टॉलर लोगों में 0.5% ही असर करता है। बहुत से लोगों को बैड पोस्चर की वजह से काफी प्रॉब्लम होती है, इसलिए चाहे आप लंबे हो या छोटे हो आपको जिम जरूर जाना चाहिए जिससे आपकी बॉडी का पोस्चर ठीक रहे एंड आप एक्टिव रहे। आपको हमेशा स्ट्रेट खड़े होना चाहिए जिससे आपकी हाइट और एक्सप्रेसिव होगी। शोल्डर ब्लेड्स बैक एंड टक डाउन रखें जैसे कि आप अपने नेक को लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्लाइटली फ्लेक्स्ड एब्स फॉर सपोर्ट एंड पेल्विक फ्लोर या लोअर बॉडी को न्यूट्रल या रिलैक्स रखें। एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि छोटे होने में कोई बुराई नहीं है। दुनिया में बहुत से पावरफुल लोग शॉर्ट हाइटेड ही थे। इनफैक्ट हाइट से आप मोर या लेस अट्रैक्टिव भी नहीं बनते एंड ना ही एक अच्छे इंसान बनते हैं। आपको अपने ऊपर जितना भरोसा होगा आप उतनी ही ऊंचाइयों को छुएंगे। मेक द मोस्ट ऑफ हु यू आर। इट डजंट मैटर इफ पीपल फिजिकली लुक डाउन ऑन यू राइट नाउ, इफ यू कैन मेक योर मार्क ऑन हिस्ट्री। मैं इंग्लिश में ज्यादा ज्ञान नहीं दे गया। एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग मोर ओरिजिनल कंटेंट टू डू माय बिट इन कीपिंग यू इन्फॉर्म एंड इंस्पायर्ड। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।